Hi friends, let us enjoy Inner Wheel and enter into the Inner Wheel year 2021. आज हम बात करेंगे Inner Wheel मेंबर के हिसाब से सोशल मीडिया में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम Inner Wheel की ब्रांडिंग और अपने क्लब की प्रोजेक्ट्स का प्रमोशन भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब को व्यवहार करते वक्त हम सबको उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम बात करेंगे व्हाट्सएप इटिकेट के बारे में। ग्रुप का नियम का पालन करें, अनावश्यक चीज़ों का पोस्टिंग ना करें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दार्शनिक तथा फिलोसॉफिकल मैसेज इत्यादि केवल अपनी फ्रेंड्स या परिवार के ग्रुप्स में भेजिए। ये सब डिस्ट्रिक्ट या क्लब की कोई भी ऑफिशियल ग्रुप में मत भेजिए। डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में आप अपनी क्लब की प्रोजेक्ट की बस एक ही फोटो भेजिए, जिसमें क्लब की बैनर हो और क्लब की सदस्य कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हों। उसके नीचे क्लब के नाम, प्रोजेक्ट के नाम, तारीख, स्थान तथा कितने लोग लाभान्वित हुए हैं वो आप जरूर लिखें। और एक बात ध्यान में रखिए, व्हाट्सएप में कुछ भी पोस्ट करने से पहले थोड़ा सोचिए, क्या ये पोस्ट करने योग्य है, क्या ये पोस्ट करना जरूरी है, क्या ये पोस्ट करने का सही समय है। कोई भी पोस्ट करने से पहले उसकी सूत्रों की जांच जरूर कर लें। अभी हम बात करेंगे कि फेसबुक में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। अपने ग्रुप फोटो की सदस्यों के अलावा किसी बाहर वालों को टैग ना करें। अपना व्यक्तिगत पोस्ट क्लब पेज में शेयर ना करें। क्लब की फेसबुक पेज सिर्फ क्लब एक्टिविटीज़ के लिए ही होती है, उसमें अपनी व्यक्तिगत पोस्ट फॉरवर्ड ना करें। अगर आपको किसी को कुछ सुझाव देना है तो टाइमलाइन पे पोस्ट ना करें, उनको पर्सनल मैसेज करके बता दीजिए। आपकी फेसबुक पेज में IIW तथा एसोसिएशन इसी को उनके अनुमति के बिना टैग ना करें। अगर फेसबुक पेज पर आप क्लब की कोई फेलोशिप या फिर मनोरंजन कार्यक्रम की कोई फ़ोटो डाल रहे हैं तो कृपया ध्यान रखिए कि शालीनता की मर्यादा की उल्लंघन ना हो। हम अगर ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो सोशल मीडिया में हम अपने आप को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे हमारा और Inner Wheel का नाम ऊंचा होगा। इफ़ वी प्रैक्टिस वी कैन डेफिनेटली डू इट। धन्यवाद।